भाई पैकिंग वैकिंग चल रही है, देख सकते हो एक्सयूवी के ऊपर सामान लाद दिया, बाकी एक ये स्विफ्ट है और एक i20 है, वो रात को जाएगी। अभी निकलते हैं, तो सारे लोग हो रहे हैं, सारे के सारे जाने वाले, बस अब निकलने की तैयारी करते हैं, जल्दी से निकलते हैं। सामान वामान पूरा पैक कर दिया हमने कंप्लीट, ये बात नहीं क्योंकि एक्सयूवी के अंदर हमारे उसके अंदर वेस्ट ट्यूब वगैरह लगाया तो सामान नहीं आता, इसमें डालेंगे सामान सारा का सारा। भाइयों गाड़ी की पूजा वूजा हो चुकी है, अब निकलते हैं सीधा ट्रिप की तरफ, क्योंकि काफी लेट हो गया, 6 बजे निकलना था, रात के 9 बज चुके हैं, अब निकलते हैं सीधा अपने सफर की तरफ। तो भाई दोनों गाड़ी में डीजल डलवाते हैं, इस वाली स्विफ्ट के अंदर आया अपना 3600 रुपए का तेल, और जो उधर एक्सयूवी खड़ी है एक्सयूवी के अंदर 4.5-5 हजार रुपए के आसपास तेल आया है। तो दोनों गाड़ियाँ तैयार, क्योंकि इस टाइम पे यार लेट हो गया, मैं निकलना था 6 बजे, 8 बज चुका है, मैं सॉरी 9 बज चुका है, अब पेट्रोल डलवा के अब निकलते सीधा आगे की तरफ अपने सफर की तरफ। तो भाई हमारी एक्सयूवी का भी ये जो तिरपाल लगाया था ये खुल गया था, अब इसको सेट कर दिया, अब निकलते हैं। काफ़ी देर से ट्रैवल कर रहे हैं हमने, कहा रुक जाते हैं हाईवे पे, एक जगह रुके हैं इस वाले होटल पे, रेस्टोरेंट है छोटा सा, तो यहाँ रुके हैं, यहाँ कुछ खाते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से हमने 80-85 किलोमीटर कवर कर लिया, थोड़ा सा रह गया, हरिद्वार जाएंगे, हरिद्वार से ऋषिकेश से ऊपर को मैं गाड़ी पकड़ूंगा, मैं चलाऊंगा गाड़ी। अब थोड़ा खाना वाना खाते हैं, क्योंकि काफ़ी भूख लग गई है, रात को शाम को 6 बजे निकलना था, रात के 9:30 बज गए थे निकलते निकलते, तो अब खाना वाना खाते हैं। यार दोस्तों ड्राइव करते करते काफ़ी टाइम हो गया था, अब ड्राइवर शिफ्ट करेंगे, मतलब चेंज करेंगे पहाड़ों पे, मैं चलाऊंगा गाड़ी, तो एक जगह रुके हुए थे काफ़ी थक गए थे सारे, तो चाय वाय की जरूरत थी, थोड़ा चाय वगैरह पीते हैं, दिखाता हूँ किस जगह पे इस टाइम पे। तो भाई रात हो गई थी, रात के 3 बज गए थे, अब चाय वाय के लिए रुके हुए थे यहाँ पे, सारे इतने सारे लोग आए हैं, देख सकते हो आगे आधे लोग वहाँ खड़े हुए हैं उस साइड पर। अब यहाँ से ऊपर पहाड़ी स्टार्ट होते हैं, यहाँ से अब करते हैं ड्राइव। जगह है तपवन, इस जगह पे आए हुए हैं सारे के सारे, देख सकते हो 15 लोग हैं हम, 3 गाड़ी हमारी, एक एक्सयूवी लगी है, एक स्विफ्ट लगी है, एक i20 लगी है, तीनों गाड़ी अपनी है। अभी देख सकते हो सामने पहाड़ दिख रहे होंगे, अब सीधा पहाड़ की चढ़ाई स्टार्ट करनी है गाड़ी लेके, अब सीधा गाड़ियों को चढ़ाना है पहाड़ों पर। तो भाई गाड़ी रोकनी पड़ी एक जगह के, यहाँ चेकिंग हो रही थी, चेकिंग वेकिंग कराई है गाड़ी की, मतलब उन्होंने जो भी केदारनाथ उनको बता देता हूँ कि यहाँ पे गाड़ी का रजिस्ट्रेशन होता है, नंबर वगैरह लिखे, मोबाइल नंबर लिखेंगे आपके, ये सब यहाँ चेकिंग हो रही थी, पीछे देख सकते हो वहाँ पे तो भाई देख सकते हो केदारनाथ का ये रोड है कितना बढ़िया बन चुका है, हाईवे एकदम मक्खन हाईवे बन चुका है ये केदारनाथ के पहाड़, यहाँ से अपना ये केदारनाथ का रोड जा रहा है, ये अपनी गाड़ी स्विफ्ट, और बाकी आगे दिखाता हूँ रास्ते में क्या क्या हम सामान लेके आए, क्या क्या करना है, कैसे करना है, खाने पीने का भी सामान लेके आए, खाना पीना बनाएंगे अपना आराम से। तो भाई जैसे देख सकते हो कि हाँ भाई यहाँ पहुँच चुके हैं, ये अपना केदारनाथ का रास्ता है, केदारनाथ का रास्ता है, यहाँ पे गाड़ी वगैरह वॉशिंग वगैरह होती है, ये अपनी गाड़ी लगा के हमने स्विफ्ट, तो अब सीधा मतलब कि एक 3 गाड़ियाँ थी जिसमें से मेरी गाड़ी मैंने पीछे रखी थी, क्योंकि बीच वाला जो ड्राइवर था वो मतलब फर्स्ट टाइम चला रहा पहाड़ों पर, तो वो थोड़ा आगे निकल के हमने कहा थोड़ा रोक लेते हैं, फ्रेश फ्रेश होते हैं, मुँह हाथ धो लेते हैं, अब निकलते हैं सीधा आगे को, गाड़ी स्टार्ट करके चलते हैं, क्योंकि यार जल्दी पहुँचना है, ट्रैकिंग भी करनी है, तो चलते सीधा आगे को। तो भाई अभी देवप्रयाग में पहुँच चुके हैं, दिखा सकता हूँ, देख सकते हो दिखाता हूँ, यहाँ से 2 नदियों का संगम होता है यहाँ पे देवप्रयाग के अंदर, कर्णप्रयाग, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, यहाँ सारा नदी का संगम है, तो यहाँ तक पहुँच चुके हैं, वो खड़ी अपनी तीनों गाड़ी लाइन से, एक्सयूवी वगैरह, ये भाई देख सकते हो यहाँ 2 नदियों का संगम होता है, एक नदी वहाँ से आती है उस जगह से, एक यहाँ से आती है, और ये दोनों मिलके आगे जाती है, ये अपनी 3री गाड़ी, सारे बंदे मिल चुके हैं, 15 लोग हैं अपन टोटल। मतलब भाई सीरियसली आए हैं, मतलब काफ़ी टाइम सपना था कि हमें केदारनाथ जाऊँगा, फाइनली केदारनाथ जा रहे हैं, रास्ते में छोटी छोटी क्लिपें बना रहा हूँ पर मज़ा पूरा आएगा, सारी क्लिपें देख के लास्ट में जब एडिट करूँगा तो पूरा मज़ा आएगा। तो भाई यहाँ फ़ोटो वगैरह खींच लेते हैं, देख सकते हो GoPro लगा दिया है टाइम लैप्स वगैरह के लिए, क्योंकि ये जो नदी है इसके शॉट्स लेने थे तो इसके लिए GoPro लगा दिया है, अब जितने शॉट आएंगे बढ़िया बढ़िया कवर करने की कोशिश करेंगे।
भाई अभी हम जा रहे हैं नीचे संगम की तरफ जहाँ नदियों का संगम होता है। मैंने कहा एक बार वीडियो में ले लूँ और दिखा दूँ कि हाँ भाई कैसी जगह और कैसा व्यू आता है वहाँ का। चलते हैं सीधा नीचे की तरफ, दिखाता हूँ। रास्ता बिल्कुल ढलान वाला रास्ता है, तो भाई ये देख सकते हो रास्ता कितना ढलान वाला है। यहाँ से नीचे संगम का रास्ता है। बाकी हमारे भाई लोग ऊपर गैस वैस लेके आए थे हम सब, तो मैगी वैगी बनाएंगे। तो यार नदी का बहाव देख सकते हो कितना तेज है। बाकी नदी की आवाज़ आपको आ रही होगी कैमरे के माइक में। तो दोस्तों काफ़ी भूख लग गई थी, अभी एक जगह पे स्टॉल मिला था हमारे को। यहाँ पे गांव में कहीं पे भी आओगे पहाड़ों के साइड पे तो स्टॉल जगह जगह मिल जाएंगे। यहाँ पे हमने मैगी बनवाई, अपना कैमरा देख सकते हो एक्शन कैमरा। अब इसी से जो शूट होंगे मेन इसी से केदारनाथ के शूट लेंगे, बद्रीनाथ के शूट लेंगे इसी कैमरे से, क्योंकि हमें वाइड एंगल में भी शॉट चाहिए। बाकी अब चलते हैं खा के सीधा ऊपर गाड़ी की तरफ को, उसके बाद निकलेंगे केदारनाथ के रास्ते। तो भाई मैगी हमारी आ चुकी है, अब मैगी खाते जल्दी से निकलते हैं फटाफट ऊपर, क्योंकि ऊपर लोग शायद लोग ये लोग भी मैगी बना रहे होंगे। तो भाई अब जा रहे हैं नीचे नदी की तरफ, उधर मुआ धो के आते हैं। बाकी पुल देख रहे हो, ये चलने में पुल हिल रहा है, पुल पार करके उधर जाना पड़ता है, फिर वहाँ से उस रास्ते से नीचे उतर के वहाँ जाना पड़ता है। तो भाई देख सकते हो नदी का बहाव कितना तेज है। भाइयों यहाँ पे बनाना स्टार्ट कर दिया, ये चाय बन गई, रस वगैरह है, एक दो पैकेट और है लेके आए थे, मतलब स्टॉक पूरा। मैगी वगैरह भी अभी इसके बाद बनाएंगे सीधा मैगी और खाते हैं, फिर चलते हैं आगे की तरफ क्योंकि भूख लग गया है। सुबह से कुछ नहीं खाया, बस चल ही रहे हैं। अब खा पी के जल्दी से निकलते हैं। भाई यहाँ पे मैगी वैगी बनने की तैयारी हुई है, सामने देख सकते हो मैगी खाने के लिए कौन बैठ गया। तो भाई देख सकते हो यहाँ में एक जगह जाम मिल गया, रोड बहुत ज्यादा खराब हो गया, पीछे रोड बहुत ज्यादा खराब है, अब यहाँ जाम मिल गया हमें। अब निकलते हैं धीरे धीरे यहाँ से आगे को, देखते हैं कितनी देर में केदारनाथ पहुँचते हैं क्योंकि काफी टाइम हो गया है।